बंद कमरे में छूने से पहले खुले आसमान में तुम्हें उड़ना सिखाए। दिल के कुछ अनकहे जज्बात बयां करने आई हूँ यहाँ, जो हम सबके दिलों में छुपे हैं, लेकिन हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी है ना कि बयां ही नहीं कर पाते। वो क्या है ना, हम सभी अपनी मंजिल को पाने में इतना मशरूफ हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें इस पल को भी जीना है। किसी को अपने रिलेशनशिप को शादी में बदलना है, तो किसी को अपने छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी संवारनी है, किसी को अपने टॉक्सिक रिश्तों से दूर भागना है, तो किसी को अपने माँ बाप का गुरूर बन के सामने आना है। और इन सब के बीच में वो लोग जिन्होंने हम पर, हमारी काबिलियत पर और हमारे पेरेंट्स की परवरिश पर सवाल खड़े किए थे, उन्हें भी तो गलत साबित करना है। अब ऐसे में हम इस पल को तो जीना भूल ही जाते हैं और रियल लाइफ तो बिल्कुल किचकिची हो जाती है। ऐसे में हमें हमारी रियल लाइफ से ज़्यादा हमारी ख्वाबों की दुनिया पसंद आने लगती है, जिसमें सिर्फ वो लोग होते हैं जो हमें पसंद होते हैं और जो लोग सिर्फ हमें पसंद करते हैं, जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हम होते हैं और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो। ना कोई जजमेंट्स, ना कोई प्रेशर, ना कुछ। ज़िंदगी बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह होती है, जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अब जब लाइफ फेरी टेल है, तो हर लड़की की लाइफ का आइडियल मैन और हर लड़के की ड्रीम गर्ल भी होगी ना। एक ऐसा इंसान जो सूरत से भले ही कम सही, लेकिन उसकी सीरत बहुत ही खूबसूरत हो। क्योंकि सूरत तो चार दिन की चांदनी है, ढली जानी है एक दिन, लेकिन सीरत आखिरी सांस तक वही रहती है। एक लड़की हमेशा यही चाहेगी कि उसको एक ऐसा हमसफर मिले जो उसके सपने तो पूरे करे ही, साथ ही उसका ज़िंदगी भर साथ भी निभाए। रोकने के लिए तो सारी दुनिया हाथ थामती है, लेकिन वो हाथ थामे तुम्हें पंख देने को। दर्द अगर तुम्हें हो तो महसूस उसे भी हो, जब तुम फूट फूट कर रो तो आंखें नम उसकी भी हो। बंद कमरे में छूने से पहले खुले आसमान में तुम्हें उड़ना सिखाए। तुम्हारी मुस्कान में वो अपनी भी खुशियां ढूंढ निकाले। तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे प्यार से लेके तुम्हारे मूड स्विंग्स तक वो सब समझ जाए। और तुम्हें कुछ कहना ना पड़े, तुम्हारे दिल के जज्बात वो तुम्हारी आंखों से ही समझ जाए। सही कहा है किसी ने, हम लड़कियां ना बहुत डिमांडिंग होती हैं, इतनी सारी क्वालिटीज बस एक ही इंसान में पाना चाहती हैं। लेकिन लड़कों के साथ ये नहीं होता, लड़के ना बस एक ही चीज मांगते हैं, बस तुम साथ रहना, बस तुम साथ रहना, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, बस तुम साथ रहना। उसकी पॉकेट के बैलेंस से पहले उसका दिल का रिचार्ज देखना, जो तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होता। और हाँ बहन, एक बात याद रखना, अगर वो सच्चा प्यार करता है ना तुमसे, तो अपनी पॉकेट का बैलेंस भी तुम्हें पाने के लिए बना ही लेगा एक दिन। जब एक लड़का सक्सेसफुल होता है तो सारी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है ना, तो चारों तरफ अंधेरा होता है और कोई उसके आसपास नहीं होता। उसको डिग्रेड करने के लिए सारी दुनिया खड़ी रहती है, लेकिन तुम वहां रहना। जब चारों ओर अंधेरा हो, बस एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाना और कहना, जाना सुनना, मैं हूं ना साथ तेरे, सब ठीक हो जाएगा। हम सब जानते हैं लड़के बहुत पॉजेसिव होते हैं, वो बस इतना मांगते हैं कि तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो टॉप पर रहे, पहले वो उसके बाद किसी और का हक हो, कोई भी बात उससे शुरू हो और उस पर खत्म हो, तुम्हारी लाइफ में उसकी जरा सी तो वैल्यू हो ही सही। बस उसकी तरफ वफा रखना, उसके लिए लॉयर रहना, बाकी सब तो वो संभाल लेगा। उसे भी चाहिए कोई जिसका वो ख्याल रखे, जिसकी छोटी से छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो अपनी जान लगा दे। एक ऐसा इंसान जब पूरी दुनिया उसे जज करती है, वैसे भी हमारी सो कॉल्ड जजमेंट सोसाइटी में हम कहते हैं लड़के रोते थोड़ी हैं, बट फीलिंग्स तो उनकी भी होती है ना, दर्द तो उन्हें भी होता है, रोना तो उन्हें भी आता है। तुम्हारी बाहों में आकर वो फूट कर रो सके, बिना जस्ट फील किए वो तुम्हें अपना दर्द बता सके, पूरे सुकून से तुमसे सब शेयर कर सके और जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ अपना हर लम्हा बिता सके। जब एक ऐसा इंसान हमें मिल जाता है ना,
तो फिर ख्वाबों से बेहतर लगता है ये जहां, और उन्हीं के ख्यालों में कटती है फिर रात सुबह. थैंक यू.